नमस्ते दोस्तों, बन्नास के गैलरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली है, और मैं क्या बताऊँ, मैं कहाँ बिजी थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाले। वीडियो तो थे बहुत सारे, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं डाल पाई। तो चलिए हम देखते हैं आज मैं कौन सा केक बनाने जा रही हूँ। तो ये वीडियो मेरी पुरानी है, 2-3 दिन पहले की है, और मैं आज एडिट करके इसे डाल रही हूँ। तो आज मुझे बनाना है मैंगो फ्लेवर का केक, और ये मेरी फ्रेंड ही है, उनके हस्बैंड का बर्थडे था और उनको ये केक रात के 12 बजे कट करना था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब भी आपसे कस्टमर ये डिमांड करे कि आप मुझे शाम को दे दीजिए और मुझे 12 बजे रात के केक कट करना है, जैसे 5-6 बजे केक आपने डिलीवरी दे दी और उनको 12 बजे केक बर्थडे सेलिब्रेट करना है या एनिवर्सरी जो भी है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके केक की सोकिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ऐसे कंडीशन में क्या करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके केक को बना के क्रमकोट करके उसे फ्रीज में रख देती हूँ, ताकि जितना भी क्रैक्स आने हो मेरे इनर केक की लेयर में ही आए, बाहर की साइड में बिल्कुल भी ना आए। तो इससे क्या होता है कि केक में कभी भी क्रैक नहीं आते, क्योंकि अगर क्रैक्स आ गए तो उसके बाद कस्टमर को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बात कि क्रैक्स क्यों आए हैं। हालांकि क्रैक्स आने से कुछ टेस्ट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जब क्रैक्स केक के ऊपर आएंगे तो आप जरा सोचिए कि जो डिज़ाइन होगी कैसी दिखेगी। तो बिल्कुल जो कहते हैं ना, ड्राई हो जाती है धरती जैसे फट जाती है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करके अपने अपने ही केक पर देख लिया है। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत कुछ नया सीखा है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल नहीं सॉरी, इसमें मैंने मैंगो का क्रश डाला था ताकि ये बिल्कुल भी मैंगो वाला केक बने। और आज जो केक बनेगा बिल्कुल अल्फांजो केक फ्लेवर बनेगा। आपको कैसे ये बनेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, जिससे टेस्ट जो है आपके केक का 4 गुना बढ़ जाएगा। और इसका फीडबैक भी सच में, मतलब आप ये सोचते होंगे कि बार बार मैं अपने केक की तारीफ करती हूँ, जी नहीं, कई बार कस्टमर को पसंद नहीं आता है, ऐसा भी होता है, मैंने इसके पहले भी बताया है। तो लेकिन उन्हें ये पर्सनली अच्छा लगा था, इसलिए मैं अपना ये फीडबैक दे रही हूँ। तो हमेशा क्या होता है, मैं टेस्ट में कमी बिल्कुल नहीं करना चाहती, भले ही 2-4 पैसे क्यों ना कम मुझे आए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैंने कैसे इस केक को बनाया। और ये देखिए, जो टॉप नीचे वाली लेयर थी उसको मैंने सबसे ऊपर लगाया है, ताकि हमारा केक जो है बिल्कुल फ्लैट बने। और आज के दिन मुझे एक और केक बनाना था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि दोनों केक को क्रमकोट करके फ्रिज में रख दिया, ताकि इसकी इनर लेयर जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और जितना देर हम क्रमकोट करके अपने केक को फ्रिज में रखते हैं ना, तो केक का पूरा फ्लेवर जो है अंदर तक क्रीम का चला जाता है केक में। तो ऐसा मेरा मानना है कि केक का टेस्ट नेक्स्ट डे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने केक को क्रमकुट सबसे पहले कर दें, उसके बाद इसकी फाइनलाइजिंग करें, और फिर जो टेस्ट आएगा केक का और आपके कस्टमर का फीडबैक जो आएगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा ऐसा करके। नहीं तो आप अपने घर के ही केक पर ट्राई करके देखिएगा, सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो भाई पर्सनली सच में बहुत पसंद है, आप इस चीज़ को देखिएगा। और ये देखिए मैं किस तरीके से कंजूसी कर करके क्रीम को लगा रही हूँ। एक्चुअली हम होम बेकर्स को डेली ऑर्डर्स नहीं होते, और क्रीम मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही बीट करूँ कि मुझे फेंकना ना पड़े। मैं बहुत ही ध्यान से अपने क्रीम को जितनी ज़रूरत है अंदाजे से मैं बीट करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जो है 200 ग्राम से मेरा एक हाफ के जी का केक बन के रेडी हो जाता है। और थोड़े अगर एक्स्ट्रा डेकोरेशन है तो आप थोड़ा सा 210 ग्राम या 20 ग्राम लीजिए क्रीम, उससे ज़्यादा कभी मत लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है तभी आप 250 ग्राम तक क्रीम लीजिए। पर अभी तक ऐसे, मतलब मैंने नोटिस किया है कि मुझे 250 ग्राम क्रीम अभी तक तो मैंने अपने किसी भी केक में नहीं लगाया है, और ऐसी कोई डिमांड भी नहीं आई है कस्टमर की कि आप ये वाला बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वाला केक जो है बना के दीजिए। तो ये देखिए मेरा केक जो है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, और
उसके बाद मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। और आपने देखा होगा कि शुरू में मैंने कुछ और ड्रेस पहनी थी और अभी मैंने कुछ और पहनी, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही इसकी क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दी थी और इसे 12 बजे कट करना था, इसलिए शाम को मैंने इस केक की फाइनलाइजिंग की है। तो ये अल्फांसो फ्लेवर वाला केक कैसे बनेगा वो मैं आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगी यहाँ। जी हाँ, आप क्रश खरीद के लाएंगे, नॉर्मल मैंगो वाला ही होता है, लेकिन अल्फांसो बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं जिससे आपका केक का लुक बहुत ही मतलब एकदम हटके आने वाला है। ये देखिए मैं किस तरीके से फिनिशिंग दे रही हूँ, ये OHP शीट है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप मैं हमेशा बताती रही हूँ, ज़रूर इसे खरीदें, ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप प्रोफेशनल लुक चाहते हैं अपने केक में तो ये शीट तो मुझे लगता है होना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए किस तरीके से मैं धीरे धीरे फिनिशिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर साइड में जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है मैं सारा का सारा यहाँ पर निकाल लूँगी, वेस्ट बिल्कुल नहीं होने दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने फिनिशिंग इस तरीके से कर ली और फिर मैंने इसे फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस केक को न्यूट्रल जेल से कवर तो पूरा नहीं करूँगी, ड्रिपिंग करूँगी, लेकिन मुझे इसके ऊपर न्यूट्रल जेल डालना था। अगर आपको ऐसे केक के ऑर्डर्स आते हैं जो ओवरनाइट फ्रिज में रखना पड़े, जैसे 12 बजे रात को कट करना है उन्हें, या आपको बहुत जल्दी डिलीवरी देनी है और उनको बहुत देर बाद केक को कट करना है, तो आप अपने केक को न्यूट्रल जेल से कवर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि केक में मॉइस्चर बना रहेगा और केक में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से फिनिशिंग दे लिया। फिनिशिंग में बिल्कुल कमी मत कीजिएगा, कोशिश करें कि अपने केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी दें, क्योंकि जो लुक होता है केक का वो फिनिशिंग से ही आता है, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारा केक जो है बिल्कुल अच्छी आइसिंग हुई है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जेल लिया है और ये देखिए ये है हमारा अल्फांसो फ्लेवर वाला एसेंस, और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा स्मेल करके देख रही थी कि इसमें टेस्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा छेद है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा येलो कलर, और ये लिक्विड फूड कलर है, आप इसमें लिक्विड जेल जो भी कलर हो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा वाइट कलर। जी हाँ, इस वाइट कलर को डालने के बाद आप इस तरीके से एक बार ज़रूर न्यूट्रल जेल बना के देखिएगा, इसका जो ग्लेज है बहुत ही अलग टाइप का, बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल रॉयल लुक वाला आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये वाइट कलर मैंने इसी काम के लिए स्पेशली मंगाया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, और जब इस केक को आप खाएंगे तो वो जेल में बिल्कुल आपको अल्फांसो वाला टेस्ट आएगा। ये देखिए आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये न्यूट्रल जेल में कैसे एक शाइन सी होती है, और ये जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मैंगो के पल्प ही यहाँ पर डाल दिए हैं। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये छोटी सी टिप्स थी, और जो मैंने यहाँ पर अल्फांसो फ्लेवर वाला एसेंस डाला है वो ऑयल बेस्ड मेरा एसेंस है, ये लिक्विड बेस्ड में मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं आइडिया है, मैंने बहुत पहले इसे ख़रीदा था। और ये ऑयल बेस्ड जितने भी कलर्स होते हैं आप इसे चॉकलेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, रिसेंटली मैंने चॉकलेट के ऑर्डर्स भी पूरे किए हैं, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी मैं, और कोशिश करूंगी कि मैंने कितने में सेल किया, कैसे उसकी पैकेजिंग की, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अपने आने वाली वीडियो में। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे कवर कर लिया, इसकी शाइन बहुत ही गजब की थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मैंगो का पल्प ही है ये। तो बस मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ऊपर में फिनिशिंग के साथ इसे लगा लिया है, और उसके बाद अब इसकी डेकोरेशन देखिएगा, सच में मुझे तो बहुत पसंद आया था, आपको कैसा लगा था? ये देखिए मेरा तो वीडियो शूट ही नहीं हुआ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ पर इस बार बीच में इस तरीके से लगाया है, और ये ओपन स्टार नोजल से मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है गोल्डन वर्क, और ये रहा केक का फाइनल लुक। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।